पूरा बारिश बारिश हो चुका था, शीशे वीशे सारी जगह बारिश हो गई थी। यहाँ पर भी एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि ये न्यूट्रल लाइट अपने आप जल जाती है रात में, चाहे बाइक बंद हो ना हो, अपने आप जो है बंद रहती, खुल जाती है लाइट। पता नहीं क्या हो गया, मॉइस्चर की वजह से हुआ है कि क्या है, मैं वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बाकी निकले यार एक छोटी सी जो है ना राइड मारने, राइड क्या हो गई, एक थोड़ा सा गेड़ा मारने निकला हूँ। एक हफ्ते से मैं जो है निकलने के कर रहा हूँ ट्राई, बारिश हो जा रही है, मतलब जो है रुकी नहीं रही बारिश। तो ऐसा सोचा था कि यार आज जो है ना निकल जाते, बिल्कुल मौसम ठंडा ठंडा था। पीछे जो है नया बैग भी मैंने लगाया हुआ है, ऊपर पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल भी कंधों पे जो है दर्द नहीं हो रहा मेरे। और ग्लव्स मैंने इसलिए नहीं पहने क्योंकि यार छोटी सी एक राइड ही मारनी है, ज़्यादा लंबी तो अपने को मारनी भी नहीं है। मॉइस्चर जमा है ना, इसकी वजह से जो है यहाँ न्यूट्रल की जो है लाइट जलने लग गई थी। अब जो है तो बिल्कुल जो है परफेक्ट हो चुका है। अब चल रहे हैं भाई एक छोटा सा गेड़ा मारने, यहाँ थोड़ा सा एक काम था, बट यहाँ पर अंकल की शॉप नहीं खुली तो अब निकला जा रहा है यहाँ से भी। इतना लंबा जाता नहीं, दूसरी बात बारिश का सीज़न है, कभी भी बारिश टपक जाए कुछ नहीं पता। को जो है ना एक स्टिकर लगवाना था, बाइक पे नहीं लगवाना था, एक छोटे छोटे कार्ड जैसे बनवाने थे। क्या होता है जैसे मैं बाइक पे जा रहा हूँ तो बंदा कहता है भैया कोई यूट्यूब चैनल का क्या है, तो मैं बोल रहा सामने है, बट मैं बता नहीं पता कि चैनल का नेम क्या है। तो एक अंकल ने मेरे को सजेस्ट करा कि आप जो है ना छोटे छोटे कार्ड्स बना लो। पहुँचते देखते कार्ड का क्या बनता है, कितने का रेट बनता है, फिर बनवाते कार्ड। और जल्दी मैं वो भी जो है ना, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी थी उसमें बताया था कि मैं कार्ड्स बनवा दूंगा, उसमें स्टिकरिंग थी एक्चुअली, वो जो है ना मैंने कार्ड ही कर दिया फिर, क्योंकि बाइक का ना स्टिकर लगाना ना थोड़ा मेरे को लगा कि यार उससे अच्छा है कि छोटे छोटे कार्ड्स बनवा लो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। टायर पूरी गाड़ी मतलब जो चलती फिरती बाइक को रोक दिया इसने, और मैं इतनी स्पीड पे था, इतनी मैं इस स्पीड पे था, आराम से चल रहा था, एकदम से मैंने जो है लेफ्ट काटने के लिए इंडिकेटर दिया, ये भाई साहब मेरे सामने का आ गए। डेली ऑब्जर्वेशंस की अगर वीडियो बनाने पे आए ना बंदा, तो जो है वो डेली कुछ ना कुछ जैसे जो है ना बंदे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप रोड पर निकले हो तो आपको कोई ना कोई ऐसा जो है माथा ख़राब करने वाला बंदा मिलेगा ही मिलेगा, ये तो लिख के ले लो। आए थे भैया के पास जो बात करने की जो है कार्ड बन जाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, तो भैया कहते हैं कि यार देख कार्ड जो है ना ऐसे बनेंगे नहीं, बहुत कम बंदे बनाते हैं और बहुत कम प्राइस पे बनाने वाले, बहुत रेयर होता है कोई बंदा मिल जाता है। तो वो कहते कि वीरेंद्र नगर या तिलक नगर साइड चले जाओ, कोई ना कोई मिल जाएगा, बट वो कहते हैं क्वालिटी का कोई भी आप नहीं कह सकते कि वो जो वाटरप्रूफ मिले ना मिले। तो वहाँ का तो प्लान हो गया कैंसिल, अब जो आराम से बस छोटी सी गेड़ी मारते हुए निकल रहे घर ही, क्योंकि जो यार और फ़ायदा है नहीं और बारिश के आसार अभी लग रहे हैं। बड़ा मन था कि कार्ड बनवाऊंगा, ऐसे चैनल बताना हेलमेट के अंदर से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो यही मान के चलता हूँ, तो शायद जो है हो सकता है कुछ बढ़िया कार्ड वार्ड मिल जाए कहीं से बनने के लिए, बंदा मिल जाए। अब चलते जल्दी से बैग दिखाता हूँ चल के कि कौन सा बैग है, कितने का पड़ा, कहाँ से अवेलेबल है। और भाई साहब ट्रैफिक है। गेमर सीरीज़ का ये बैग है, ये आर्टिक फॉक्स का हमारा लोगो, ये मेरा आर्टिक फॉक्स का लोगो है, इधर भी एक आर्टिक फॉक्स का लोगो, यहाँ पे लॉक दे दिया, बिल्कुल सिंपल सा बट हाँ स्पेशियस है ये, कुछ है 27-28 लीटर्स का बैग है। ये गंदा मैंने थोड़ा मचा रखा है। ये मेरा हेलमेट का कवर आ गया, ये हमारा राइनॉक्स की जैकेट का जो है रेन लाइनर आ गया, पर है आर्टिक फॉक्स वाले बैग के साथ कवर देते हैं। ये मेरे हमारे गोप्रो का जो है बॉक्स आ गया, चार्जर वगैरह है, केबल्स है, इसमें मेमोरी कार्ड्स होते हैं हमारे। यहाँ मैंने अपने पर्स रखा है, ये गोप्रो की शॉर्टी है, यहाँ बाइक के पेपर्स, ये यहाँ इस जगह ना लैपटॉप, यहाँ पर मैंने जो है मास्क रखा है जो मैं अपना पहनती, यहाँ नेट वाली एक स्पेस है, और इधर भी एक पॉकेट है जहाँ फ़ोन वन रख सकते हो, अपनी डायरीज रख सकते हो। ये हमारा है ईयरफोन के लिए। यहाँ पे क्या सारी चीज़ें आपने इधर भर दी, यहाँ पे सब सामान रख दिया, यहाँ पे रख दिया, इसको जो है आपने लास्ट में एंड पे ऊपर रख दिया, इतने लेवल तक आप जो है आराम से जो है इसमें सामान भर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया बैग हो गया, ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। जो ये लॉक कर दिया मैंने, और ये हैंगिंग के लिए अगर आप जैसे हाथ में जो है हैंग कर रहे हो। इस ये बैग जो है इस बॉक्स में आता है, इसमें देखो ऊपर लिखा है डोंट स्टेप आर्टिक फॉक्स, ये लोगो आ गया, ये इनका बारकोड आ गया यहाँ पे। अगर आपको लेना है ये बैग आर्टिक फॉक्स का, तो ये बहुत बढ़िया बैग है, मतलब आप जो बिना सोचे समझे ले सकते हो, ट्रैवलिंग वगैरह के लिए बहुत परफेक्ट बैग है। बड़ा दुख होता है जब भाई ऐसे किसी की गाड़ी पे, स्टिल यार बहुत बुरा लगता है जब आपकी जो है ना ऐसे गाड़ी टो होके जाती है ना, बिना किसी रीज़न के, कोई दिक्कत नहीं समझ आ रही, बट जो है टो होके जा रही कंपनी में,
तो भाई अगर वीडियो पसंद आ गई हो, थोड़ी सी भी आ गई हो, तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ ऐसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, राइड लॉन्ग, स्टे सेफ। दिस इज SD विद स्काई साइनिंग ऑफ। बाय बाय।